देखिए, हम लोग साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 13। और हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक एमसीक्यू सॉल्व किया था। देखिए, एक्चुअल में हमारे पास दो बुक है। एक कुछ बच्चों के पास प्रीवियस ईयर के एडिशन की बुक है, और कुछ बच्चों के पास अभी न्यू एडिशन वाली बुक है। तो दोनों में क्वेश्चन आंसर थोड़े डिफरेंट है। तो अभी हमने जो कंप्लीट किया था वो प्रीवियस ईयर के एडिशन की बुक से किया था। अभी न्यू जो एडिशन आई है उसको भी कंप्लीट करते चलते हैं साथ में। तो न्यू एडिशन में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर दोनों बुक के लॉन्ग क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है? तो देखिए, न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13, साउंड, ठीक है? इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है वो है, चूज द करेक्ट आंसर में साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। तो करेक्ट आंसर चूज करना है इसमें, और दिया है साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। ओके, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। ऑप्शंस आर गिवन हियर। ऑप्शन ए इज गैसेस ओनली, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है आपका सॉलिड्स ओनली, ऑप्शन सी देखेंगे तो दिया हुआ है लिक्विड्स ओनली, एंड लास्ट ऑप्शन जो ऑप्शन डी है वो है सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। तो यहाँ पे क्या है, सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। तो ये है। अब देखिए, हमने ये कंप्लीट किया हुआ है, तो आप सभी को पता होगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, उसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो हमने एक बार पढ़ा था कि साउंड किस टाइप की वेव है। तो हमने पढ़ा था साउंड मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे मीडियम है जिसके अंदर भी साउंड ट्रेवल कर सकता है। तो आपने पढ़ा था गैस से ट्रेवल कर सकता है, एयर से, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे, तो मोबाइल से जो साउंड आ रहा है वो एयर के थ्रू पास करके आपको सुनाई दे रहा है। तो इट मीन्स साउंड जो है वो एयर, या फिर आप बोल सकते हैं गैसेस के थ्रू ट्रेवल कर सकता है। सेकेंड है लिक्विड, सॉरी सॉलिड्स, तो साउंड सॉलिड के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है, इसके लिए एक्टिविटी हमने किया हुआ है। और थर्ड है लिक्विड्स, साउंड लिक्विड के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड के अंदर से भी ट्रेवल कर सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इन सभी से ट्रेवल कर सकता है तो इट मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे दिया हुआ है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, तो ये सभी थ्री से ट्रेवल कर सकता है। तो ये है आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 1 का। ये जो क्वेश्चन है वो न्यू एडिशन की बुक के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। लास्ट सेशन में जो हमने पढ़ा हुआ है, अभी अभी जो क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट किए हैं अभी अभी, उसमें हमने प्रीवियस वाले एडिशन की बुक के क्वेश्चन बताए थे आपको। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन, अभी जस्ट जो लास्ट क्वेश्चन था उस प्रीवियस एडिशन की बुक से था। अब सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, वॉइस ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, ऑप्शंस, योर ऑप्शंस आर हियर। फर्स्ट ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज बेबी गर्ल। ओके, सो दिस वन इज अ बेबी गर्ल। ऑप्शन नंबर बी
बेबी बॉय, बेबी बॉय। ऑप्शन सी इज अ मैन एंड ऑप्शन डी इज अ वीमैन। ओके सो द क्वेश्चन वॉज वॉइस ऑफ विच, सॉरी क्वेश्चन इज वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ऑप्शंस आर विद बेबी गर्ल, बेबी बॉय, अ मैन, अ वीमैन। सो इफ वी रिकॉल आर मेमोरी and try to revise about the pitch when we study about the frequency, how we can differentiate the voice of man, women, kids, baby boy, baby girl. We have discussed all these things in one of the class. Okay, so we know that the frequency of women are very high because they produce shrill sound, high pitch sound. So if frequency is high, then sound is high pitched and that is known as shrill sound. Similarly, baby girl and baby boy also produce high frequency, high pitch shrill sound. It means only the option C means a man. Men generally produce low frequency gruff sound, or you can say if frequency is low, pitch is low and sound is gruff. So your answer is option number C, because men produces low frequency gruff sound. Okay, that is also known as low pitch sound. So we have done question number 1 and 2. Now we are ready to proceed towards the question number 3. And question number 3 is related to the true and false. Okay, so now we are ready to complete true and false part of the question number 3. So let's check about the questions. So question number 3 is, in the following statement, tick true, tick T for true and F for false. Okay, so I am going to write the first question, that is A. And this one is, sound cannot travel in vacuum. Sound cannot travel through vacuum. Now I'm sure most of you have already know answer of this question, or you are able to give either this statement is true or false. So try to write the correct answer. It means if it is true, you should write here T, and if false, you should write here F. Okay, so try to give answer of this question by yourself. I'm going to give you explanation and answer. So answer of this question is, yes, this statement is true. So we are writing here T, because it is true. Why it is true? Because sound is a mechanical wave which needs material medium to travel. If there is no medium, so sound cannot travel from one place to another place. So statement is here, sound cannot travel through vacuum. Yes, it is correct, because sound cannot travel through vacuum. Okay, why it cannot travel through vacuum? Because it is mechanical wave, it always need medium to travel. So if there is gas, solid or liquid medium can travel, but vacuum means there is no medium, there is nothing. So if there is no medium, this sound cannot travel from one place to another place. Okay, yes, this statement is true. Now next statement, the number of oscillations per second of vibrations of object is its time period. So the second statement is, the number of oscillations per second,
द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। Okay, so this one is statement. Now, if you want to give answer of this question, you must try to recall the definition of frequency, okay, and time period. Now, if you know what is the definition of frequency and what is definition of time period, and try to think about the difference between two definitions, so you can check if this statement is correct or not. So let's see, the number of oscillations per second of a vibrating object is called its, what is this? Yes, this should be frequency, but it is time period here. It means it is not correct, because we know that the number of oscillations per second of a vibrating body is defined as its frequency, but here it is time period. So yes, it is not correct. So you should write here F, because this statement is false. The number of oscillations per second of a vibrating body is known as frequency. So if this one is frequency, then this statement will be correct, but it is not frequency, it is time period, so this statement is false. So now I hope you understand why this statement is false, because time period is number of oscillation in, sorry, time taken to complete one oscillation is known as time period. But here you can see it is written here number of oscillations per second, which is known as frequency, which is not time period. So this one is false. Now next question is third question. If the amplitude of vibration is large, sound is feeble. So let's see third one. If amplitude of vibration is large, then sound is feeble. Sound is feeble. Okay. So now you want to write either this statement is correct or not. So first try to understand how the amplitude is related to sound. The characteristic of sound, that is feeble or loud. So we know that the loudness of sound is directly proportional to square of the amplitude. Now if amplitude is large, it means sound is loud. So it is mentioned here, if amplitude of vibration is large, so amplitude is large, but here it is mentioned that it is feeble, so it is not correct, because if amplitude is large, sound must be loud. So this statement is again false, because we know that if amplitude is large, sound will be loud. Loudness is directly proportional to square of the amplitude. Yes, so we have learned this about this thing. So yes, this statement is false. Okay. तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का डी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो डी देखिए दिया हुआ है, फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। तो क्वेश्चन है डी, फॉर ह्यूमन ईयर ऑडिबल रेंज इज
20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने पढ़ा हुआ है ऑडिबल रेंज के लिए कि ऑडिबल रेंज कितना होता है ह्यूमन ईयर के लिए। हमने उसके बाद पढ़ा हुआ है कि इंफ्रासाउंड किसे बोलते हैं और अल्ट्रासाउंड किसे बोलते हैं। तो अब देखिए जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेस होती है उसको बोलते हैं इंफ्रासाउंड, जो फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, और जो होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक इसको बोलते हैं ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन बींग। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल परफेक्ट है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये है ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो अगले स्टेटमेंट है, ऐसे ही जैसे ही आपके सामने कोई स्टेटमेंट आता है पहले उसको आप पढ़िए, उसको रिकॉल करिए, देखिए कि जो भी कुछ भी आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग वो सही है या सही नहीं है। तो इफ इट इज ट्रू देन यू कैन राइट टी, इफ इट इज फॉल्स यू शुड राइट एफ। तो देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट नंबर ई, वो है द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच। तो ई है द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, द लोअर द फ्रीक्वेंसी frequency of vibration lower is the pitch, lower is the pitch। तो आप देख सकते हैं स्टेटमेंट लिखा हुआ है द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन लोअर इज द पिच। अभी यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपकी बुक में कुछ किसी किसी बुक में यहाँ पे मैक्सिमम बुक में हायर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे हायर इज द पिच होना चाहिए बुक के अकॉर्डिंग। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन लोअर भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा कि क्या पूछा जा रहा है, बट कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हायर दिया है तो एग्ज़ाम में भी हायर ही हो, एग्ज़ाम में यहाँ लोअर भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है द लोअर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर इज द पिच। तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी लो है तो क्या पिच हाई होगा, अब कैसे रिलेट करते थे, इफ फ्रीक्वेंसी इज हाई देन हाई पिच। तो फ्रीक्वेंसी जब हाई होती है तब उसको हाई पिच बोलते हैं, तो यहाँ लो फ्रीक्वेंसी है तो पिच क्या होगी, लो। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे हम लोग फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स है, द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन हायर इज द पिच, ये सही नहीं है, बिकॉज द लोअर ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन लोअर इज द पिच होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ई हो गया। अब देखिए एफ, एफ क्या है, तो नेक्स्ट जो है वो देखिए क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ जो स्टेटमेंट है वो है अनवांटेड और अनप्रेजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अनवांटेड एंड और है अनवांटेड और अनप्रेजेंट, अनप्रेजेंट साउंड इज नोन एज म्यूजिक। यहां पे देखिए ये है स्टेटमेंट, अनवांटेड और अनप्रेजेंट साउंड इज नोन एज म्यूजिक। अब आपको क्या लगता है कि स्टेटमेंट सही है या नहीं। अब देखिए म्यूजिक के बारे में हमने पढ़ा था, म्यूजिक को कैसे डिफाइन किया था कि म्यूजिक प्लीजेंट और रिदमिक साउंड है। ओके, तो म्यूजिक को हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है, बट यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया हुआ है अनवांटेड और अनप्रेजेंट साउंड इज नोन एज म्यूजिक। तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये म्यूजिक की डिफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट है फॉल्स। तो यहाँ पे देखेंगे कि अनवांटेड और अनप्रेजेंट साउंड इज नोन एज म्यूजिक, ये है एक फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट एंड रिदमिक साउंड को ही हम लोग बोलते हैं म्यूजिक। अब नेक्स्ट है
जी देखिए क्या है, जी है नॉइज पोल्यूशन मे कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये स्टेटमेंट है नॉइज पोल्यूशन मे कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट। यहाँ पे लिखेंगे नॉइज पोल्यूशन मे कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो ये स्टेटमेंट अब देखेंगे कि क्या नॉइज पोल्यूशन है और उससे पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। तो आप सभी को पता ही है, अगर नॉइज पोल्यूशन है तो उससे हियरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स कि नॉइज पोल्यूशन से अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ नॉइज पोल्यूशन है तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है, मतलब कि सुनने में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऐसी डिजीजेज इससे रिलेटेड होने के चांसेस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है आपका टू। तो यहाँ पे देखिए नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये ट्रू हो गया। तो यहाँ पे देखिए डी जो है वो ट्रू है, ई है फॉल्स, एफ भी फॉल्स है और जी क्या है ट्रू है। तो इस तरीके से आपको मिल जाते हैं सारे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स, उसका यहाँ पे पता चल जाता है। तो ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है ये एक्चुअल में, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। सो इसको फिल करना है विद सुटेबल वर्ड्स। फर्स्ट देखिए क्या है, ए ऑप्शन नंबर ए है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको सही करना है, मतलब फिल करके इसको कंप्लीट करना है स्टेटमेंट। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। तो अब यहां पे आपको भरना है कि क्या होगा, फिल करना है यहां पे। तो आपको पता है टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, सभी को याद होगा, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। यस टाइम पीरियड। तो आपको पता है टाइम पीरियड कैसे डिफाइंड है, टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। तो ऐसे डिफाइंड है ये मीन्स कि आपका टाइम पीरियड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ फिल करेंगे टाइम पीरियड, फर्स्ट ये हो गया आपका। सेकेंड देखते हैं बी क्या है, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाई ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ देखिए है लाउडनेस, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाई लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाई द वाइब्रेशन। तो अब देखिए लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाई द वाइब्रेशन, यहां पे क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है लाउडनेस को कैसे रिलेट करते हैं वाइब्रेशन की, तो यहाँ पे होगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, ऐसे होगा एम्पलीट्यूड हाई है देन लाउडनेस हाई होगा, एम्पलीट्यूड लो है तो लाउडनेस लो है। तो ऐसे लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, ये स्टेटमेंट सही है।
अब यहाँ पे फिल किया आपने एम्पलीट्यूड, अब देखिए थर्ड में क्या होगा, सी द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, तो थर्ड है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है ये बताना है आपको, तो आपको पता है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज वाइब्रेशन पर सेकेंड, और इसको बोलते हैं हम हर्ट्ज, तो यहाँ पे हर्ट्ज लिख सकते हैं आप, सो द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, ठीक है ये सही है। ये क्वेश्चन नंबर ये सी का फिल इन द ब्लैंक्स में, यहाँ पे आपने हर्ट्ज फिल किया है, हर्ट्ज सही है। अब डी में आते हैं, डी में देखिए द अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, द अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, तो हम बताइए अनवांटेड साउंड को क्या बोलते हैं, सो द अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड क्या होता है नॉइज, तो यहां पे क्या फील करेंगे नॉइज, ठीक है। अब ई में देखते हैं, जो ई ऑप्शन ई स्टेटमेंट है वो क्या है, ई है श्रिलनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय द, श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द, सो श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय the, अब यहां पे फील करना है ऑफ वाइब्रेशन तो अब यहां पे क्या फील करेंगे, श्रिलनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय द वाइब्रेशन, तो यहां पे क्या होगा फ्रीक्वेंसी, तो यहां पे होगा श्रिलनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट जो है सारे को एक बार चेक कर लेते हैं, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, सेकंड लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, थर्ड द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज हर्ट्ज, देन डी द अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड द नॉइज, एंड द लास्ट श्रिलनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। तो ये सभी हो गए आपका क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है, और क्वेश्चन थ्री भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव, देखते हैं वो क्या है और उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फाइव को अब कंप्लीट करेंगे, इफ यू वॉन्ट टू राइट नोट डाउन दिस एटलीस्ट फील दीज थिंग्स बाई पेंसिल इन योर बुक, सो यू कैन कम्प्लीट दीज क्वेश्चन इन योर नोटबुक, ओके, सो फर्स्ट फील दीज थिंग्स बाई पेंसिल इन योर बुक एंड देन कम्प्लीट दीज फील इन द ब्लैंक्स इन योर कॉपी, राइट। सो आई एम गोइंग टू इरेज दीज थिंग्स एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फाइव नाउ। तो क्वेश्चन नंबर फाइव इज अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स, ओके, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज द क्वेश्चन, लेट्स सी द सॉल्यूशन।
So you can see that in 4 seconds it oscillates 40 times. So 4 seconds it oscillates 40 times. So in 1 second it oscillates 40 by 4, it means 10 times. Then number of oscillations in 1 second is known as frequency. This one is heard. So this becomes frequency. It means frequency of the oscillation is equal to 10 hertz. Now time period is 1 upon frequency. So it is equal to 1 by 10 and it is equal to 0.1 second, right? So 0.1 second it is time period. So आप देख सकते हैं ये जो oscillations है 40 times है 4 second में, it means 1 second में ये 10 oscillation करेगा, तो 10 hertz इसकी frequency हो गई. इसका time period कितना होगा? 1 by frequency, it means 1 by 10, तो 0.1 second हो गया. तो ये हो गया question number 5 आपका done, okay?